रूबिका जी, आप तो एक बड़ी जिम्मेवार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रस्तोता हैं। जम्मू से आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, जहाज में गए थे चार लोग और झंडा भी भूल गए थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो गलत आदमी जेल के बाहर क्यों है? ये तो कहीं ना कहीं कायर और कमजोर लोगों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हाँ। तब ये भूल जाते हैं बुरहान वानी को 40 लाख रुपए देने कौन गया। कीजिए आपको 40 मिनट वन ऑन वन। बड़े भाई आप कौन है? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? अपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करना भूल गए, क्योंकि अगर तिरंगा फहराया गया वहां पर, आप वो बर्फ के गोले के साथ राहुल गांधी प्रियंका गांधी को खेलते अगर देखे नजर आए, उनको खेलते देख पाए, तो वो इसलिए क्योंकि 370 हटी, वरना ये ना हो पाता। रूबिका जी, आप तो एक बड़ी जिम्मेवार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रस्तोता है। अगर इस तरीके की बात होती तो जो हमारे कश्मीरी पंडित जिसके नाम पर ये लोग पूरी राजनीति करते हैं, वो क्या घाटी में वापस चले न गए होते? कश्मीरी पंडितों की जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसके जिम्मेवार कौन है? आज की डेट में सरकार किसकी है? घाटी में जो बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं, उनकी जिम्मेवार कौन है? सरकार किसकी है? बुरहान वानी जब वो कुख्यात आतंकवादी मारा गया था, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री 40 लाख रुपए लेकर के मंगत सिंह साहब बुरहान वानी के पिताजी के घर गए थे कि भाई गलती हो गई, वो भाजपा के ही तो थे, किसी और के नहीं थे। तो मैं तो एक चीज और कहता हूं, इतना खुशहाली का माहौल है तो अनुराग ठाकुर साहब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को और स्वयं चल करके एक जम्मू से और श्रीनगर तक की एक पैदल यात्रा कर ले, कौन सी दिक्कत है उन्हें? एक अगर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना खुशहाल माहौल है वहां पर। सच बात यह है कि फिजूल की बातें हैं, भारत जोड़ो यात्रा को डिमीन करने की कोशिश है, और भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली है, बताइए और कोई अगर पैदल इस तरीके से चला हो। क्या नाम, मुरली मनोहर जोशी साहब 1992 में गए थे और नरेंद्र मोदी साहब को लेकर के, जम्मू से आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, जहाज में गए थे चार लोग और झंडा भी भूल गए थे। भारतीय वायुसेना ने और हमारी सेना ने उनको झंडा दिया था वहां पर फहराने के लिए। जो आदमी अपना झंडा तक भूल गया हो लाल चौक पे फहराने के लिए, उससे आप क्या मुकाबला करेंगे? तो मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नाम पे राजनीति बंद करें, आतंक के नाम पर राजनीति बंद करें। आज राहुल गांधी शेरे कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर से बोले हैं तो उसकी गूंज इस्लामाबाद तक गई है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक गई है। वहां बताया गया है, वहां सब लोगों को देखिए, कांग्रेस खड़ी है, यहां पर देश खड़ा है, खाली कांग्रेस ही नहीं खड़ी, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। तो पूरा हिंदुस्तान अगर वहां पर खड़ा हुआ है एक अखंड कश्मीर के लिए, तो इस बात की सराहना की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कि आपकी सरकार में विपक्ष का नेता खड़ा होकर के वहां कह रहा है, जो यात्रा सत्ता पक्ष के लोगों को करनी चाहिए थी वो यात्रा विपक्ष का नेता कर रहा है, इस बात की तो सराहना होनी चाहिए। और ये लोग कंफ्यूजन की बात करते हैं, सराहना होनी चाहिए। इस्लामाबाद तक गूंज है, राहुल गांधी ने वो जो हथगोला फेंका था वो बर्फ का नहीं था, उसमें वो बारूद था कि इस्लामाबाद को समझ में आ जाना चाहिए था कि राहुल गांधी अब बहुत सीरियस नोट पर पीओके को भी, अगर उनको या उनकी पार्टी को सत्ता में ले आए तो पीओके को भी वो शामिल कर देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं आप उनको एडवांस में थैंक यू कहिए। रूबिका जी, अच्छा आपने एक बहुत ही चुटकुले के साथ और हंसी के को एक अच्छी डिबेट को एक लाइट टच दे दिया है, पर अब थोड़ा एक तथ्यों पे और सीरियसनेस पे बात की जाए। एक हिंदी की कहावत है, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। वो दौर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हुआ, 1992 का दौर जब तिरंगा लहराने की सुरेंद्र जी बात करें कितनी सिक्योरिटी वहां खड़ी थी, 2011 में अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मंच है तिरंगा लहराना चाहते थे, तब के प्रधानमंत्री जी का बयान था अगर अनुराग ठाकुर वहां पे तिरंगा लहराएंगे उनको नहीं लहराना चाहिए,
आज मंच पे 23 पार्टियों को बुलाया गया था, 23 में से 4 आए, और जो आए वो कौन थे? महबूबा मुफ्ती, जो कहती हैं 370 हटाया जाता, 35 से हटाया जाता, जम्मू कश्मीर में कोई तरंगा लहराने वाला नहीं मिलेगा। दूसरे अब्दुल्ला साहब की पार्टी, जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करना है तो पाकिस्तान से बात करनी होगी। हाँ, इस्लामाबाद तक गूंज गई है, लाहौर तक गई है, रावलपिंडी तक गई है। क्या के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाकिस्तान की नई वकील है? जैसे पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगता है, वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रूफ मांगती है। इस बात की गूंज गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के साथ नहीं है, देश की सेना के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की वकील बन गई है। केरल में चले, हाफ पेंट निक्कर को आग लगाए, तमिलनाडु में आए एक एसपी उदय कुमार नामक, जो कहता है तमिलनाडु को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, उसके साथ जफियां डाली। दिल्ली आए, इंडिया इज अ कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ इनको चाहिए। राजीव जी, समाजवादी पार्टी ने भी दूरी की। राजीव जी, अंदर की खबर तो आप ही बता सकते हैं, सपा क्यों दूर रही, उनको विश्वास नहीं है? रूबिका जी, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं जी, एक राष्ट्र हित में एक मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है कि जब हमारे पड़ोसी ऐसे दुश्मन हो, जहां हमें मैसेज ये देना चाहिए कि हमारे आपसी राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, राष्ट्र के मुद्दे पर सारी राजनीतिक पार्टियां और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग एक साथ हैं, हर बात पर जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद ना आए, किसी को बोल देना कि तुम पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के खुश करते हो, सेना के विरोध करते हो, ये बहुत ही निंदनीय है और ये राष्ट्र विरोधी है। आप अपने दुश्मनों को बताते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ एक नहीं है, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां तुम्हारे साथ है, केवल सरकार हम लड़ रहे हैं, इसकी निंदा करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखने वाली हर राजनीतिक पार्टी राष्ट्र के साथ खड़े, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। और जिस ये लोग बात करते हैं बार बार, हर बार विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार आजादी से पहले बताकर महारानी को लेकर लिख रहे थे, कभी चल देंगे बयालीस आंदोलन। राहुल गांधी की यात्रा तो पूर्ण हुई, लेकिन मात्रा जो है वोटों की वो बढ़ने वाली है, कांग्रेस के खाते में आने वाली है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिवम, आपका टेक इस पूरी की पूरी यात्रा पर और जो कुछ भी अभी तक गेस्ट कह चुके हैं, क्या कहना है? देखिए रूबिका जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वोट की मात्रा इससे बढ़ सकती है, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता और कहीं ऐसा लगा भी नहीं। दूसरी बात यह भी है कि हाँ, एक चीज पे जरूर इनको फायदा होगा कि राहुल गांधी को अब डेमोग्राफिकली इंडिया के बारे में पता है कि सेंटर में दिल्ली है, उसके बराबर में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, हरियाणा की भी कुछ सीमाएं लगी हुई हैं, कश्मीर में जब आप जाते हैं तो स्विट्जरलैंड से बेटर मौसम वहां पर होता है, और वो कभी भविष्य में विदेश जाएंगे तो इसके बारे में बता सकते हैं एक पॉजिटिव नोट पे। इतना तो फायदा उनको यहां हुआ है। 370 हटने के बाद से ही ये तिरंगे झंडे आप देख रहे हैं, तिरंगा झंडा यात्रा में, वहां की जो दो पार्टियां हैं वो इतना ओपनली आ जाती। जिन पार्टियों ने 370 खत्म होने से 2-3 साल पहले के अगर उनके वीडियोस देख लें तो वो उस तरीके से मौकरी बनाते थे, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हंसी उड़ाते थे, झंडे को हाथ लगा देंगे आप? आपके पास आपकी हिम्मत नहीं है, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, ये बचेगा वो बचेगा पता नहीं क्या क्या। ये भी जानते हैं कि 60 कंटेनर पीछे चला लेने से और 75% जनता अपने साथ लेकर चलने और 25% लोकल को लेकर आप चुनाव छोड़िए कुछ भी नहीं जीत पाएंगे, कि 60 कंटेनर पीछे चला लेने से और 75% जनता अपने साथ लेकर चलने और 25% लोकल को लेकर आप चुनाव छोड़िए कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सुरेंद्र जी, कुछ भी नहीं जीत पाएंगे, कार्यकर्ताओं को जरूर जोड़ लेंगे, वोट कहां से लाएंगे? रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके हमारे उनके समर्थक पत्रकार और उनके जो समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, इन सब के लिए और उनके समर्थक मीडिया के लिए एक छोटा सा शेर है, वो पढ़ देता हूँ कि मुंह में छुपी हूँ मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहाँ से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अरे भाई, यात्रा हमारी थी, हम इसमें अगर इतने फेल हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जुट रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा पढ़ लिख करके क्यों आ रहे हो, इतना ज़्यादा कोस क्यों रहे हो राहुल गांधी को, जाने दो ना, आप हार जाएंगे हम लोग अगर ऐसी बात है। आप डर गए हो, आप वहशत में हो, आपको डर लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा से, कि शख्स ने पहले क्या करते थे, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की,
कहन साहब उनके जूते ऐसे हैं, उनकी टी शर्ट ऐसी है, उनका ये ऐसा है, उसके बाद क्या कहने लगे कि साहब वो इससे मिले, उससे मिले, इस देशद्रोही से मिले, उस देशद्रोही, अभी क्या नाम हमारे पुराने साथी कह रहे थे, उसके बाद आप क्या कहने लगे। तो मेरा एक ही छोटा सा कहना है इन लोगों से, उसके बाद कोरोना का डर दिखाया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या इनकी मतलब जो करते रहे। आप छोटी सी बात देखिए ना, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी अगर किसी गलत आदमी से मिले तो आप भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो गलत आदमी जेल के बाहर क्यों है आप बताइए ना। चाहे वो मेधा पाटकर का नाम ले रहे हो, योगेंद्र यादव का नाम ले रहे हो, वो क्या नाम पादरी साहब का नाम ले रहे हो, इस तरीके की बातें, अगर ये तो कहीं ना कहीं कायर और कमजोर लोगों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जब ऐसे एलिमेंट्स अगर बाहर घूम रहे हैं तो। दूसरी बात अगर आप ये बताइए, हम अगर हम या नेशनल कॉन्फ्रेंस और या पीडीपी, ठीक है ना, अगर ये पाकिस्तान समर्थक हैं या चीन समर्थक हैं तो हम जैसे दलों का इस समय पंजीकरण क्यों है, और राष्ट्रीय धारा में गद्दार कहने की कौन सी परंपरा है, हमने तो भाजपा को गद्दार नहीं कहा, हम कह सकते हैं। सुनिए सुरेंद्र जी, एक सेकंड मैं अब चुकी हमने मैंने शुरुआत में रिमार्क आप बीच में बोल करके मेरे तारतम्य को तोड़ रही हैं, आप साजिश कर रही हैं। एक तो साजिश, ये तो आपका विक्टिम कार्ड ना प्रभु, मतलब आपको थकान भी नहीं होती इस कार्ड को इस्तेमाल करने से, क्या मतलब सुरेंद्र जी, क्या बोलिए, मैं ये कह रही हूँ, बोलिए वो अब आप ऐसे मुस्कुरा दिए, मैं आपको 30 सेकंड और एक्स्ट्रा दे सकती हूँ बात करने के लिए। तो मसला क्या है ना, जब हमसे ये कहा जाता है कि हम देशद्रोही हैं, हम गद्दार हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, तभी आप ये लोग ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जाता है, तब ये भूल जाते हैं कि पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार किसने बनाई, तब ये भूल जाते हैं बुरहान वानी को 40 लाख रुपए देने कौन गया, तब ये भूल जाते हैं कि पठानकोट में आईएसआई को किसने बुलाया। लेकिन अब आपको भूल जाना चाहिए पीडीपी से आपने जो बर्फ के घोलों के साथ दोस्ती यारी कर ली है, अब आपको भूल जाना चाहिए, पीडीपी वाला इस्तेमाल कीजिए। एक सेकंड, अब शिवम कुछ कहना चाह रहे हो? अरे ये शेर आपके लिए है सुरेंद्र जी, एक शेर यूं है कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी आप जैसे शाहपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे हैं शहर और बहुत। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, जॉर्ज पुनैया को साथ लेकर जो आपने देश जोड़ा है, कमाल का देश जोड़ा है साहब। कश्मीर में खड़े होकर ये कह दिया आपने कि हम इस कश्मीर का स्टेटहुड वापस लाएंगे, अच्छा, आप दोनों यानी कि 370 वापस लाएंगे, तो आपने बहुत शानदार। सुरेंद्र जी एक सेकंड, रूबिका जी मेरी बात पूरी नहीं होने दी रूबिका, आपने फिर आप कहेंगे कि पुराने साथी, एक मिनट सुरेंद्र जी आप रूबिका जी को अनुरोध कीजिए, आपको 40 मिनट वन ऑन वन किसी दिन बुलाइए, तब आपको जाके तसल्ली होगी। एक मिनट आप रुक जाइए, आप सुरेंद्र भाई आप सिफारिश कर देना, और अच्छे प्रवक्ता हैं, और वो शोले पिक्चर का सीन याद आ गया रूबिका जी, वो जो होता है जेलर इसरानी साहब, आधे मेजो मेरे पीछे है दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, जो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता, ये तो टट्टी है। सपा के नेता बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान कर ले, क्या राहुल गांधी को वो नेता मानते हैं, क्या 370 पे इन सबका एक है, उनको वापस 370 को लाया चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्या वो राहुल गांधी के बयान से सहमत है कि चीन ने हमारे सैनिकों को पीट दिया, चीन में सैनिक मार, चीन के सैनिकों ने मारा हिंदुस्तान के सैनिकों को, सर्जिकल स्ट्राइक के आप सबूत मांगेंगे, मुझे यकीन है अखिलेश यादव नहीं मांगेंगे। रूबिका जी आप उस समय थी जब वापस आना चाहिए, सर्गिल जी रूबिका जी को पूछने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैं यकीन नहीं रखता हूँ कि जिनका इतिहास ही देश के साथ आजादी की लड़ाई से लेकर गद्दारी कर रहा हूँ, उनसे मैं राष्ट्रपति सबूत दू बात, लोग आप बार बार सभा प्रकाश मुखर्जी का कर रहे थे, अगर बात इतिहास में जाएगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, मैं रूबिका जी को जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेताजी पहले नेता थे देश के, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे आगे बढ़कर देश को समर्थन दिया, सेना को समर्थन दिया, जहां हमारा सेना आता हमारा मानना है कि सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं, राष्ट्र से बड़ा कोई बात नहीं। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात का है कि जिन लोगों का देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक अभी सत्ता सेना का इस्तेमाल करते हैं, तभी अंग्रेजों का इस्तेमाल करते थे, उन लोग बार बार हमसे सवाल पूछे, ऐसे लोगों का सवाल लेने की जरूरत विपक्ष को कम से कम राजीव राय को नहीं है, जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता है।
सेना पर कोई सवाल नहीं, जहां सेना बीच में आती है सेना और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे पहले हमने सपोर्ट किया। पहुंच गए आप पाकिस्तान बिरयानी खाने, आप गए थे सर, किन्हें बुलाए? आप बोल पाकिस्तान घर में घुस के मारा भी उसको, पाकिस्तान से मोहब्बत आपको, पहले प्यार से समझाने की कोशिश की फिर बता दिया कि ताकत क्या होती है, तो आप राजनीति नहीं हो सकती है। भाई पहले प्यार से सम्मान से बोलो और फिर इज्जत से बता दो कौन हो आप। मुझे बस तीन चीजों, 370 हटना चाहिए क्या जो कांग्रेस मानती है? देखिए 370 या ऐसे जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर एक साथ फैसला लेना चाहिए। एक व्यक्ति जो देश फैसला लिया जा चुका है, चुना हुआ है, फैसला सही है जो गलत है जो ले लिया जा चुका, बस इतनी सी बात। आप कौन है? आम जनता बनाए थे, आम जनता महारानी के जब चलने चाहते हैं तो सही है। आप कहाँ जा रहे हैं राजीव जी? राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल राजीव जी मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरी बात सुनिए ना, मेरे पास वक्त की कमी है सर। सुरेंद्र जी 10 सेकंड आपको दे रही हूँ सर, मैं कंक्लूड करूँ उससे पहले। देख लीजिए रूबिका जी, आप कितना हम आपसे डर जाते हैं, आपसे कुछ बात नहीं कह सकते हैं, आप मित्र हैं, तो अब आपने सिर्फ 10 सेकंड, पहले तो कहा था 30 सेकंड एक मिनट के अलावा दे दूंगी, लेकिन आपको तो खैर बड़े लोग हैं भाई आप। तीन चार चीजें मैं बड़ी साफ साफ कह देता हूँ। पहली बात, शिवम त्यागी जी ने कम से कम बादशाह तो मान लिया, ये है आज की डेट में इस यात्रा का हासिल। आप कह रहे हो कि बादशाह है बादशाह हमारा, जनता का बादशाह है। और एक मिनट भाई, अब दो मिनट, अब बीच में मत बोलो शिवम, ठीक। दूसरी बात, अभी जयवीर शेरगिल साहब शोले पिक्चर देखने चले गए, तो ये यात्रा का दूसरा हासिल है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग अब फिल्में देखने जा रहे हैं, और कोई काम नहीं बचा इन लोगों को, राहुल गांधी को गाली दो और क्या नाम फिल्में देखो। मैं आपको दो चीजें कह देता हूं जयवीर शेरगिल भाई, आप हमारे पुराने साथी हैं, तभी पुराने साथी हैं, मजा ही नहीं आ रहा देश की, देश में देश में देश में टक्कर तो दीजिए, मजा नहीं आ रहा है, टक्कर तो दीजिए देश में जी। और इस वक्त एक बड़ी खबर, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बस यही है। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।